नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। लालकुआ क्षेत्र के 25 एकड़ कॉलोनी मार्ग पर स्थित भोले मंदिर के समीप आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का शनिवार को विशाल भंडारे व हवन यज्ञ के साथ पारायण हुआ। इससे पूर्व कथावाचक अवधेश मिश्रा ने कहा कि जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है वो स्थान देवीय शक्तियों से संपन्न होता है। कथावाचक व्यास श्री मिश्रा ने कहा कि भागवत भगवान का हृदय है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से जन जन्मांतर के पापों का हरण हो जाता है। मानव उत्थान सेवा समिति के प्रभारी महात्मा सत्यबोधानंद ने श्रीमद् भागवत कथा के सफल आयोजन पर समस्त कार्यकर्ताओं का आभार जताया तथा कहा कि आध्यात्मिक विचारधारा से ही दुनिया विनाश से बच सकती है। लालकुआं से रमाकांत पंत की रिपोर्ट। Let's go.